सब पैसे करके होया नी मुंडा तेरे करके रोया नी मेरे दिल ते मार के छुरिया ओह तुरगी जहाज ते चढ़ के ओ सजना ने यादा फूकतिया हथ होर किसे दा फड़ के ओ सजना ने यादा फूकतिया। मेरी किसी नाल कोई रेस ही नहीं है जी, मेरी तो लेन ही होर है। जे मैं रेस लानी होंगी तो मेरे साल च 10-10, 20-20 गाने करने से, मैं किसी रेस का पार्ट ही नहीं अपने आप को समझता। घर के अमरिंदर ज़्यादा लाड करते हैं कि एक ज़्यादा लाड़ लै? जो मैं भी करियर स्टार्ट किया उदो मैं भी बड़ी रोक टोक हुई थी, मैं एक साढ़े क्योंकि दूर दूर तक कोई ना गाण बजाने वाला है इन वधिया नहीं समझा जाता सामू। पंजाबी गायकी दे विच आपां कई गाने भाजी आए भी देखे ने जिन्हां दे 200 मिलियन 300 मिलियन तक चले जांदा है ना, कि असल दे विच पंजाबी गायकी दी इन्नी ऑडियंस हैगी है पंजाबी सोंग्स नूं सुणन वाली? देखो सीखना तो बहुत जरूरी गल है ना, बट जे कोई नहीं भी सीख रहा वो अपनी परसनल चॉइस है, मैं उन्होंने जज नहीं कर सकता कि उन्होंने सीख के आना चाहिए, क्योंकि मैं कितना सीखा हुआ जे मैं किसी नूं क्वेश्चन कर दवां है ना। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारयां नूं, मैं हाँ गुरप्रीत सिंह बल ते तुसी वेख रहे हो जिंदाबाद चैनल। उम्मीद करदे हां तुसी ठीक ठाक होवोगे इस करोना दे लॉकडाउन दे टाइम दे विच। ते कहिंदे ने जी बंदे नूं जे असला कढ़ाउणा होवे, जां ठेठ पंजाबी च गल करिए जे घोड़ा कढ़ाउणा होवे, तां बहुत चक्कर लाउणे पैंदे ने। कदे बंदे नूं DTO दफ्तर जाणा पैंदा, कदे किसे दी सिफारिश वी पाउणी पैंदी है, ते बहुत सारियां एप्लीकेशनां साइन करके फिर किते बंदे कोल जाके घोड़ा निकलदा। पर अज मेरे नाल इक शख्स ऐसा बैठा है, कहिंदे वी इक घोड़ा नाम ते लाया होया ते इक घोड़ा बांह ते खणवाई फिरदे ने। मैं गल कर रहा जी बाई AK उहनां दी। अज बाई साडे नाल बैठे ने ते बाई दे नाल दुख सुख सांझे करांगे, चंगीआं गल्लां उहनां दे नाल करांगे। अज बाई दा स्वागत करदे हां। बाई जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा साडे चैनल दे उत्ते। ठीक ठाक हो? बहुत वधिया जी, चढ़दी कला। तो जिंदाबाद चैनल देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल, बहुत सारा प्यार। तो भाई जी सब तो पहला तो बहुत बहुत मुबारक नवे गाने दियाँ, बहुत चंगा रिस्पोंस फैनस वालों थोड़े चाहने वाले देखने को मिल रहा। तो जिमें 1 मिलियन ऑलरेडी एक दिन के क्रॉस हो गया, किमें देखते हो? नहीं नहीं बहुत वधिया रिस्पोंस है, एक नहीं आई थिंक 2-2.5 मिलियन हो गया। सो वधिया, मैं इन्ना एक्सपैक्ट नहीं किया, बट बहुत ज़्यादा वधिया रिस्पोंस दिता लोगों ने। एक्चुअली लोग वेट भी बहुत कर रहे थे, एंड आई वांट थैंक माई फैनस के सारे इदा सपोर्ट करते जिमें पहले दिन तो करते आए, एंड बहुत बहुत शुक्रिया सारे का। भाई मैं चाहना हूँ जो गाने की गल हुई तो 2 लाइनें आन दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी थोड़ी जी डाउन हुई हुई है। सब पैसे करके होया नी मुंडा तेरे करके रोया नी मेरे दिल ते मार के छुरिया ओह तुरगी जहाज ते चढ़ के ओ सजना ने यादा फूकतिया हथ होर किसे दा फड़ के ओ सजना ने यादा फूकतिया हथ होर किसे दा फड़ के ओ सजना ने यादा फूकतिया हथ होर किसे दा फड़ के। बहुत वधिया भाजी, बा कमाल गायकी। तो भाजी जिहड़े तुसीं गाने रिकॉर्ड करदे हो जां आने वाले तुहाडे गाने हैगे ने जिहड़े, इह तुहाडी खुद दी सिलैक्शन हुंदी है परसनली मैं आह गाणा मैनूं चंगा लग रहा या टीम सारी बैठ के डिसाइड करदी है वी मैनूं आह गाणा करना चाहिए? देखो म्यूचुअल अंडरसटैंडिंग हुंदी है मेरी टीम च ते मेरे च। कई बार इस तरह हुंदा कि मैनूं गाणा पसंद हुंदा ते टीम नूं नहीं पसंद हुंदा, फिर असीं उत्ते बैठ के सलाह कर लईदी है, फिर वोटिंग कर लईदी है। मतलब इन एंड ऑल कह लो बई टीम डिसीजन हुंदा जिहड़ा मेन है ना। सो कई बार टीम इदा सिलेक्ट कर लैंदी मैनूं नहीं पसंद हुंदा हैगा, बट ऑल इन ऑल असीं टीम नूं लैके नाल ही चलदे आ, पूरी टीम दी राय हुंदी आ, जो उन्हां ने कहता उस हिसाब नाल ही कम हुंदा। ते भाजी इक सवाल मैं भी पुछूंगा कि घर दे अमरिंदर नूं ज़्यादा लाड करदे ने कि AK ज़्यादा लाड लै? घरदिआं नूं पता ही नहीं AK कौन, उन्हां लई अमरिंदर ही है। उदा ही जिवें पहलां कटाई कटुई हो जांदी सी उदा हो भी जांदी है। अच्छा हुण भी करदे ने? पै जांदियां। ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਪੀਪਲ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਟਾਪਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵੀ ਕਟਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਆ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਜਸਟ ਲਿਵ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ। अच्छा भाजी, सानू पता यह भी लगे कि छोटे होंदे क्रिकेट खेडना बहुत पसंद करते, बहुत चंगा भी खेडते सी, फिर एक टाइम इदा आया भी क्रिकेट छड के पूरी जी अपनी जी मोटिवेशन जी है ना एक एकागर होकर तुम गायकी वाल आए, एक किवें डिसीजन मेक किया? एक्चुअली मैं लगता कि गॉड हैड प्लैन फॉर मी,
एंड रब ने ही परमात्मा ही है वाहगुरु ही है जिन्हें सारा कुछ प्लैन किया मेरे लिए। उन्होंने मैं अपने आप इधर इंट्रस्ट पाता उधरों मेरा रिड्यूस करता। मतलब कहते हैं ना जो थोड़े अकॉर्डिंग होवे वधिया जो थोड़े अकॉर्डिंग ना होवे होर भी वधिया क्योंकि रब करवांदा वो चीज़ और रब तुसी रब तो वधिया प्लैन नहीं कर सकते चीज़ा। सो परमात्मा का हुक्म होया एंड उधर चल पी गुड। हुण मतलब कि एक थोड़ा जिहा फनी जिहा सवाल है भी जिवें भाजी तुहाडा आपां लाइफ स्टाइल देखदे आ तुसी हरेक गाने दे विच थोड़ा अलग करैक्टर हुंदा है जिवें थोड़े हेयर स्टाइल दे आपां गल करिए लोग फॉलो भी करदे ने बहुत चंगा रिस्पोंस भी दिंदे ने तुहानू है ना घर दे जिवें घर दे कुछ कहिंदे ने इदां भी जे हुण तू लाल जे बाल करा के आया तां मैं तैनूं घरे कुट्टूंगी जे तू तैनूं घरे नहीं वड़न देना। पै जांदियां गालां पै जांदियां क्योंकि ओबवियसली जिहड़ी सोसाइटी 'च आपां रहिंदे आ जिस तरह दा क्योंकि आपणा सभ्याचार नहीं हैगा है ना बाल बूट रंगाउणा ये वो बट चलो इन्हां एंड के लोकां नूं कईआं नूं अच्छा भी लगता है सो स्टाइल स्टूइल ही कर लीदा बट फॉर नॉर्मल रूटीन अच्छा नहीं लगता। ऑन स्क्रीन बहुत कुछ करते हैं तुम किन्ने एक्टर्स देखे होने ये ऑन स्क्रीन तक ही रहे तो मैं लगता ज़्यादा अच्छा। बाकी हरेक बंद की अपनी परसनल चॉइस है उन्हें किदा के बाल रखने किदा के नहीं ये उन्होंने छड़ दिना मैं बट मेरा यह परसनल मनना कि ऑन स्क्रीन अच्छी लगदी चीज़ा नॉर्मल लाइफ यू शुड बी नॉर्मल। अच्छा भाजी जी आप हम गाने की गल करिए जिमें गाने का बहुत वधेरे रिस्पोंस देखने मिल रहा पंजाबी गायकी दे विच आप कई गाने भाजी ऐ भी देखे ने जिन्हें दे 200 मिलियन 300 मिलियन तक चले जाता है ना कि असल दे विच पंजाबी गायकी दी इन्नी ऑडियंस हैगी है पंजाबी सोंग्स नूं सुनने वाली। देखो इहदा मैं ना तो जवाब देना सही समझदा तुहानू खुद नूं भी पता तुसीं इन्ने समझदार हैगे हो कि की चीज़ां हुंदियां की नहीं हुंदियां। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि चलो ऑल इन ऑल जे इंडस्ट्री ग्रो कर दिया तो इस कोई बुरी गल नहीं हैगी ग्रो हो रहा तो ग्रो हो लैन दो है ना बट मेरे मैनू नहीं लगता कि मेरा कोई भी गाना इन्ने ज़्यादा मिलियन दे विच हैगा बट सुने सारे नहीं होंगे। मैं इस करके सवाल किया क्योंकि जो एक जैनुअन गाना होंगे मैं लगता उसको मतलब कि किन्ने क समझते हो व्यू एक जैनुअन गाने पर वधिया गाने पर आ जाते हैं। मेरे हिसाब नाल मैनू व्यू मैटर भी नहीं करते हैं ज़्यादा बट गाना लोगों को पसंद आना चाहिए रूह की खुराक पूरी होनी चाहिए उन्होंने एंड मज़ा आना चाहिए है ना। मतलब ये ना हो फॉर एग्जाम्पल मेरी इंटरव्यू कर रहे हो थानू पता ही नहीं कि कौन आ थानू पता ही नहीं तुसी मेरा कोई गाना सुनया कि नहीं सुनया वो पॉइंटलैस आ तुसी मेरे गाने सुने हुए ने थानू पता मैं कौन आ तो वो मेरी कमाई है ना वो मेरी कमाई है मैनू ये मैटर नहीं करता कि मेरा गाना कोई 100 मिलियन है कि नहीं हैगा तुसी फिर भी मेरे कोल इत्थे बैठे हो यही कमाई है लोगों तक चीज़ पहुँचनी चाहिए लोगों को पसंद आनी चाहिए दैट्स इट। तो भाजी पुराने जिहड़े बाबे बोहड होए ने अपने है ना गायक होए ने उन्हां विचों किहनू सब तो ज़्यादा सुनना पसंद करते हो। मैं जिवें तुहानू तुसीं कहा बई बोहड गुरदास मान साहब नूं मैं बहुत सुनदा एंड बहुत वधिया गायकी उन्हां दी बहुत अच्छे इंसान भी ने उह एंड माणक साहब नूं बहुत सुनिया मैं हाँ जी ते मैं चाहुंदा उन्हां दी दो लाइन आउण दिओ फिर माणक साहब दी हाँ जी तेरे टिल्ले तो यो सूरत दी दिया हीर दी तेरे टिल्ले तो यो सूरत दी दिया हीर दी बहुत वधिया सच्ची गायकी एक मैं कहना जब मैं जो गाने दे विच सुनदा हुंदा सी ना एके दी आवाज़ ओरिजिनल अज लाइव सुन के बहुत स्वाद आया भाजी सच्ची गल है। चलो जी परमात्मा का शुक्र है एंड थैंक यू सो मच। तो भाजी आपां देख रहे हैं भी अजकल ना पंजाबी जी इंडस्ट्री अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री उहदे विच नित नवा जिहड़ा सिंगर आ जांदा है बहुत कलाकार जिहड़े ने आ रहे ने अज दी इंडस्ट्री दे विच है ना तो इस रेस दे विच एक ही अपने आप नूं किवें मैनेज कर रहा भी इस स्पीड दे विच खड़न दे विच। मेरी किसी नाल कोई रेस ही नहीं है जी मेरी तां लेन ही हो रहा जे मैं रेस लानी हुंदी तां मेरे साल च 10-10, 20-20 गाने गिरने सीगे मैं किसी रेस का पार्ट ही नहीं अपने आप को समझता। मैनू परमात्मा ने एक नाम बख्शिया लोगों ने मैनू प्यार दिता उस नाम नू प्यार दिता है सो मेरी किसी ना रेस ही नहीं है मेरा ऑलरेडी नाम हैगा एंड बाकी रहे जिहड़े नवे बच्चे आ रहे हैं गायकी मैं सारिआं नू गुड लक विश करदा हरेक बंदे नू राइट है गाण दा हरेक बंदे नू अपने ड्रीम्स अचीव करन दा मौका भी मिलना चाहिए और जिहड़ा कर रहा है मैं उन्हूं गुड लक कहना कोई इहदे विच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुण जिहड़े तुसीं नवें सिंगरां दी गल कीती आ किन्ना क जरूरी आ भाजी जिहड़े नवें सिंगरस आ रहे ने उन्हां वास्ते सिख के आउणा। देखो सीखना तो बहुत जरूरी गल है ना बट जे कोई नहीं भी सीख रहा वो अपनी परसनल चॉइस है मैं उन्होंने जज नहीं कर सकता कि उन्होंने सीख के आना चाहिए क्योंकि मैं किन्ना सीखा हुआ जो मैं किसी को क्वेश्चन कर देव है ना सो हरेक बंदे जिवें जिवें सैट लगता जिवें जिदा सूत लगता उवें करना चाहिए। तो भाजी एक आखिरी सवाल मेरा यह होगा अज तो मैं लगता 40-50 साल पहला जब साढ़े फादर साहब होनी मेरी उम्र के होंगे मैं तो छोटे होंगे सी उस समय के जब घर कोई बच्चा जवाक गाँव होंगे सी ना तो उन्होंने रोक देंगे माड़ा समझा जाता है थोड़ा लगता भी इन्ने साल बाद अज फिर एक सिंगर आर्टिस्ट माड़ा समझ लग गए
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਕੌਨਸਰਟਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਏਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਕਟਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਕਿੱਲ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਮਾਵੀ ਸਾਨੂੰ ਔਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਫਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਹੋਵੇ ਹੀਰੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਕਟਰ ਹੋਵੇ ਐਕਟਰ ਹੋਣ ਹਾਂ ਐਕਟਰ ਹੋਣ 'ਚ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਹੋਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਪਲੇ ਹੋਏ ਹੀਰੋ ਨੇ ਸੋ ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੱਚੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਉਹ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ